दरियासिंह में कटाव ने बैठ के रिहायशियों को बेघर कर दिया। करोला लेसन में बस्ती राखवा में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी और दर्जनों बस्तियां सैलाब के लपेटे में आ गईं। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इकदाम न होने पर इलाका मकीन बेयारो मददगार। इंतजाम थे मैं ना में परेशान हो गया मखलूक से जो कीमती रख बैठे फसलों तो आप दे नहीं दे खड़े एक होला फसला है इंतजाम वाला दे रहे तो वहन है तो वो आदे यार हूँ मैं चक्र रियाल सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड गंडा सिंह पर सतह 22 फुट से बढ़ गई। बड़े सैलाबी रेले का खदशा। जिला इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। आबादी के इनखला को यकीनी बनाने के लिए टीमें मुतहरक। कंट्रोल रूम कायम नशेबी इलाकों से। दरिया सतलुज में बहावलपुर की हदूद में मुमकिना सैलाब का खदशा। मौजा वेसला बस्ती हूड़िया के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बंद बनाना शुरू कर दिया। मसाजिद में ऐलानात और चंदा जमा करने का सिलसिला जारी। काशकार अजरा शेख ने बंद बनाने के लिए दो एक्सीवेटर मंगवा लिए। जनूबी पंजाब में अब गांव चमकेंगे मुहिम का आगाज। मुल्तान में मुहिम का इफ्तिताह मौसा बिलेवाला यूनियन काउंसिल 110 और 114 में किया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी ने मुहिम का इफ्तिताह किया। गर्मियों की छुट्टियां हुई खत्म। मौज मस्ती के बाद अब होगी स्कूलों में खूब पढ़ाई। स्कूल वापसी पर असासा को बच्चों के इम्तिहानात लेने की हिदायत। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का सालाना तालीमी कैलेंडर पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। तमाम सीईओज को मुरासला जारी कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में असासा की कमी पूरी ना हो सकी। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सुबह भर में असासा की खाली असामियां 70,000 से तजावज कर गई। मुल्तान के 1,129 स्कूलों में एक एक आईटी टीचर मौजूद। तादाद कम होने की वजह से मौजूदा असातिज़ा को 5 मजामीन पढ़ाने पड़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर महर शाही जमान लक्की जेर सदारत इजलास। डेरा गाजी खान में स्कूल्स इंप्रूवमेंट प्लान पर काम शुरू। महकमा तालीम के इंतजामी अफसरान को तालीमी मेयार इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर मामला बेहतर करने का टास्क। अच्छे काम पर हौसला अफजाई और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। इंतजार की घड़ियां खत्म। मुल्तान की खवातीन के लिए अच्छी खबर। कराची के बाद मुल्तान की सड़कों पर भी पिंक बसें चलेंगी। शहर ओलिया में खवातीन और तालबात के लिए अलग बाइज़र ट्रांसपोर्ट बस सर्विस का आगाज। वफाकी खातून मोहतसब फौजिया वकार ने तकरीब में पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। निश्ते अस्पताल मुल्तान में तज़ीनो आराइश के दौरान नाकिस हिकमत अमली। 1400 बेड्स को डायरेक्ट सप्लाई करने वाला सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम मुतासिर। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मामलात का फौरी नोटिस लें। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और भर्तियों में रियायत का इल्जाम। एफआईए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर इंतजामिया के खिलाफ मुतहरिक। साबिक वीसी अतर महबूब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इजाज शाह और डॉक्टर अबू बकर का नाम ईसीएल में शामिल। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में हालिया इजाफा। जनूबी पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने एक माह में 20% किराया बढ़ा दिया। मियांवाली के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है किराया ना बढ़ाएं तो मजदूरी नहीं बनती।
होशरुबा महंगाई से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर। एक बल्ब वाले घर में 10,000 बिल भेजा जा रहा। बहावलपुर के मजदूरों का कहना है 15 दिनों से दिहाड़ी नहीं लगी, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी। कमर तोड़ महंगाई ने तालीम का हुसूल मुश्किल बना दिया। रहीम यार खान में भारी भरकम बिल, महंगे राशन पेट्रोल के बोझ ने वालिदैन की कमर झुका दी। तलबा का कहना है 200 में मिलने वाली किताब 500 रुपए की हो गई, महंगी किताबें स्टेशनरी खरीदना मुश्किल हो गया। तहसील अलीपुर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, ब्लैक में फरोख जारी, काश्तकार दरबदर, पैदावारी हद मुश्किल दिखाने लगा। काश्तकारों का हुकूमत और मुकामी इंतजामिया से बहरान के खात्मे का मुतालबा। बेलगाम महंगाई, हर तरफ आवाम की दुहाई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, मुजाहरीन की नारेबाजी, निगरान हुकूमत से आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर, हारूनाबाद और फोर्ट अब्बास में एहतजाजी रैलियां, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, हर किस्म के एहतजाज, धरने और जुलूसों पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। पानेवाल जिले इंतजामिया की नाअहली, करोड़ों रुपए लागत से बनने वाली तफरीही झील फंक्शनल होने से कबल खंडरात में तब्दील, शहरी तफरीही सहूलत से महरूम, ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट, ट्यूबवेल की मोटरें और पाइप चोरी। शहर सुल्तान में डम्बर वाला रोड और पुल टूट फूट का शिकार, शहरियों को मुश्किलात का सामना, हादसात मामूल बन गए। उधर करोड़ लाल ईसन में लैया को बखर से मिलाने वाली मेन शाहरा खस्ता हाली का शिकार, हादसात में इंसानी जानों का ज्या मामूल, कीमती गाड़ियां खटारा बनने लगी, शहरियों की आला हुकाम से नोटिस की अपील। थाना चौक सर्वर शहीद में रिश्वत का बाजार गर्म, मुहाफिजों से शहरी गैर महफूज, कांस्टेबल अब्दुल रशीद की शहरी से लेन देन की ऑडियो लीक, डेटा भी मंजर आम पर आ गया, बेगुनाह शहरियों को मुकदमात में फंसाने की धमकियां, मुतासर शहरी का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मुल्तान मोहम्मद नवीद राणा की सरबराही में इजलास, 3 डिविजन्स के ड्रग इंस्पेक्टर, सेक्रेटरी पंजाब क्वालिटी कंट्रोल, डायरेक्टर समेत दीगर अफसरान की शिरकत, क्राइम, गैर मियारी अद्वियात, ब्लैक मार्केटिंग, जाली अद्वियात की रोकथाम की हिदायत। रहीम यार खान में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, खानपुर अड्डा में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2,000 रुपए जुर्माना, सेक्रेटरी आरटीए ने रूट परमिट और फिटनेस ना होने पर 5,000 रुपए जुर्माना किया। जेरे तामीर सिविल सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब का मंसूबा, सेक्रेटरी सर्विसेज अमजद शुएब खान तरीन की जेरे सदारत जायजा इजलास, मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला, सेक्रेटरी सर्विसेज ने सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की तामीर बारे हफ्तावार प्लान तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास, छोटा गोश्त 1,050 और बड़े गोश्त की कीमत 550 रुपए फी किलो मुकर्रर, दूध 110 और दही 120 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगी, गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शहर सुल्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जरई यूनिवर्सिटी सब कैंपस का क्याम, फिजिबिलिटी स्टडी और रकबे की निशानदही के लिए प्रोफेसर का दौरा, जिले इंतजामिया ने रकबे की निशानदही कर दी, मुंतकली का मरहला शुरू। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अख्तर जावेद का बहावलपुर में नए तामीर शुदा होम इकोनॉमिक्स कॉलेज का दौरा,
सेक्रेटरी को कॉलेज इमारत और मुख्तलिफ शोबा जात बारे ब्रीफिंग। वजीर आला की तरफ से कॉलेज को 22 अगस्त तक फंक्शनल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज जिला में कपास की बंपर क्रॉप के लिए कोशा। चक 119 टीडीए में कपास की पहली चुनाई के अमल का जायजा। क्वालिटी को चेक किया, सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के बरवक्त दारू की हिदायत। उधर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का जतोई के इलाके झगीवाला में कपास फील्ड का मुआयना। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की कारकर्दगी को सराहा। मुल्तान आर्ट गैलरी गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। ऑस्ट्रेलवी सियाह मिस्टर कोलेन के मुल्तानी सकाफत और तारीख में गहरी दिलचस्पी। कहते हैं, चार महीनों से पाकिस्तान आया हूं, मुल्तान शहर में आकर बहुत खुशी हुई। आर्ट गैलरी मुल्तान की तारीख की अक्कासी करती है। और लिया में महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स गाला जारी। मुख्तलिफ स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की शिरकत। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट फुटबॉल समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, असातिज़ा के दरमियान स्पोर्ट्स गाला बहुत मुफीद साबित होगा।